अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे इस चैनल पे सभी प्यारे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ जलेबी। ये जलेबी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनती है, क्योंकि घर में बनती है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई से बनती है। बाहर की जलेबी पता नहीं कैसे मैदे से बनती होगी। इसे बनाने के लिए जो इन्ग्रीडियंट्स लगेंगे वो हैं, ये हाफ कप मैदा है, मैं इसे हाफ कप ली हूँ क्योंकि ये जब फूलेगा तो डबल हो जाएगा। ये एक कप चीनी है, जितना मैं इससे एक गिलास चीनी ली हूँ मैं, और एक गिलास पानी है, ये चाशनी के लिए है। ये इलायची पाउडर है, ये फूड कलर लेमन फूड कलर है। आप चाहे तो ऑरेंज भी ये ऐड कर सकते हैं, येलो भी ले सकते हैं। ये रोज़ वाटर है, ऐसे बनाने के लिए मैं इस डिब्बे की यूज़ करूँगी। आप चाहे तो दूध का जो पॉलिथीन जो आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्राई करने के लिए रिफाइंड वाइट, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी। इसमें ना ही मैं सोडा यूज़ करूँगी, ना ही बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी। विदाउट बेकिंग पाउडर सोडा ये मैं जलेबी बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी जलेबी बनेगी। इसे मैंने कलर ऐड किया, और एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। बहुत अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है, इसमें बिल्कुल लम्स नहीं है। इसकी थिकनेस देखिए बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, उठाने से ऐसी ये लिक्विड गिरे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। इसे मैं आज सुबह में बना के रख दे रही हूँ, इसे मुझे कल बनाना है, कल सुबह में, तब जाके ये बिल्कुल हलवाई वाली तरीका है। इस तरीके से बनाइएगा तो आपकी जलेबी बिल्कुल बहुत हलवाई जैसे बनेगी, बहुत अच्छी बनेगी। इसमें आपको खाने का सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। अब इसे मैं ढक के रख देती हूँ, मैं इसे कल बनाऊँगी, कल सुबह बनाऊँगी। ये दूसरी सुबह है, देखिए कितने अच्छे से ये फूल कर उठा है, इसकी थिकनेस देखिए, देखिए बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी हलवाई होते हैं बिल्कुल इसी मेथड से वो जलेबी को बनाते हैं। अब मैं इसे इसमें ऐड करूँगी। आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं छोटे वाले से यूज़ बनाऊँगी। देखिए ये बिल्कुल फेविकोल की तरह हो चुका है। कितने अच्छे से सब उड़ गया, मैं इसे बंद कर दूंगी, इसे वॉश कर लेती हूँ पहले। पानी ऐड करूंगी, फिर चीनी ऐड करूंगी। पहले मैं चाशनी बना लेती हूँ, चीनी को घुलने देती हूँ। चीनी में उबाल आने शुरू हो गया है, इसे मुझे ठीक करना है। दो मतलब एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, दो तार की भी नहीं बनानी है, बस ये हाथ में थोड़ा चिपके, अभी ये नहीं चिपक रहा है। जब चिपकने लगे तब समझिए आपकी चाशनी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी गंदगी दिख रही है चाशनी में, तो एक चम्मच दूध डाल दीजिए। दूध डालने बाद जब बॉयल आएगा तो उससे जितनी गंदगी सब एक तरफ हो जाएगी, उसको आप इस तरह से निकाल सकती हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये पाउडर, इलायची पाउडर है, और थोड़ी सी रोज़ वाटर। इसकी जो फ्लेवर जो आती है ना रोज़ वाटर की, इलायची की, बहुत ही अच्छी आती है जलेबी में। आप चाहे तो केसर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर।
चाशनी हो चुका है, देखिए इसकी थिकनेस देखिए, अब ये थोड़ा सा चिपकने लगा है। दो तार नहीं हो रहा, ना ही एक तार बन रहा, ना ही दो तार बन रहा, बस चिपक रहा है, यानी कि चाशनी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। अब मैं जलेबी बनाना शुरू करती हूँ। फ्लेम को हाई रखना है, मीडियम नहीं करना है। अब मैं इसे चाशनी में डिप करूंगी। ज़्यादा देर तक डिप नहीं करना है, बस इससे मुझे 2 से 3 सेकंड डुबा के निकाल लेना है। बस ये हो चुका, देखिए चाशनी दिख रहा है, चाशनी अंदर तक चला गया है। इस तरह से मैं पूरी जलेबी को बना लूँगी। एक एक करके अच्छे से पलटना है दोनों तरफ से। जो बस इसे तुरंत डाल के थोड़ा डिप करके निकाल लेना है। इस तरह से डिप करना है। वो खुद दिखने लगेगा कि चाशनी पूरा, जलेबी ने चाशनी पूरा पी लिया। देखिए पूरी जलेबी में चाशनी आ चुकी है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ। पूरी जलेबी को इसी तरह बनाना है। आप चाहे तो हल्का भी सेकिए, थोड़ा लाल भी कर लीजिए। इसे मुझे गरम निकालूंगी, मैं इसमें ऐड करूंगी चाशनी में। बस दो से तीन सेकंड डुबो को रखना है। देखिए चाशनी कितना अच्छे से दिख रहा है, देखिए कितना सुंदर हो गया ये। वो देख के खुद पता चल जाएगा चाशनी ने, पूरी जलेबी ने चाशनी पी लिया है।
जल्दी से निकाल देना है। ये मेरी जलेबी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी बनी है। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से रस इसके अंदर गया है। देखिए देखिए इस तरह की जलेबी बनाइए आप, खाइए खिलाइए, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है। ये देखिए इसके क्रिस्पी, देखिए बहुत क्रिस्पी है और पूरी रस भरी हुई है। बहुत अच्छी जलेबी बनी है। इस तरीके से आप भी जलेबी बनाइए, खाइए खिलाइए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये जलेबी कैसी लगी। ये जलेबी बहुत अच्छी बनती है, बहुत कम सामान में बहुत अच्छी जलेबी बनती है। घर में थोड़ी सी मैदे में इतनी सारी जलेबी बन जाती है कि आप देख के यकीन नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। खाइए खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।